हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई थिंक अच्छे होंगे गाइस। तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी, अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया होगा। पता है आज की रेसिपी क्या है? कुरकुरे चाट। वैसे हम लोगों ने छोला का चाट, टिक्की चाट वो सब खाया होगा, बट आज मैं बच्चों लोग की मनपसंद कुरकुरे चाट लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ढेर सारा कुरकुरे ले लिया है। पांच वाला पैकेट होता है ना, वो ढेर सारा तो नहीं, तीन चार पैकेट मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं एक बाउल ले लेती हूँ। अगर आपके पास स्टील का बाउल है आप उसमें भी बना सकते हैं, स्टील की कटोरी में भी बना सकते हैं, शीशे की कटोरी में भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने एक शीशे की कटोरी में कुरकुरे को डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने मिनिमम तीन से चार पैकेट ले लिया है कुरकुरे, और मैं सारे कुरकुरे को इस बाउल में डाल देती हूँ। गाइस ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग लगती है कि बच्चों लोग तो ऐसे ही कुरकुरे खाते हैं, अब तो बूढ़े बुजुर्ग भी खाएंगे कुरकुरे। उन्हें तो पसंद भी नहीं होता है कुरकुरे, बट ऐसी आज मैं कुरकुरे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बूढ़े हो या जवान, बच्चे हो या फिर कोई भी हो, सब खाएंगे एकदम उंगलियाँ चाट चाट के। ये इतनी टेस्टी और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट ये रेसिपी लगती है कि आप लोग उंगलियाँ चाटते हुए नहीं थकेंगे, बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहती है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने बाउल में ले लिया है मिनिमम तीन से चार पैकेट कुरकुरे। कुरकुरे को मैंने बाउल में डाल दिया है। आप देख सकते हैं ये रेसिपी इतनी सिंपल है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने चॉप किए हुए प्याज को इसमें डाल दिया है। ज़्यादा प्याज का उपयोग बिल्कुल ना करें, एक प्याज है। अगर हाँ, अगर आप ज़्यादा कुरकुरे का उपयोग कर रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा प्याज बढ़ा सकते हैं। मैंने ओनियन ले लिया है, मिनिमम एक ओनियन को मैंने काट लिया था, यानी कि अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। मैंने एक टमाटर ले लिया था, उसे भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ इस तरीके से काट लेती हूँ। टमाटर डाल दे, प्याज डाल दे, और मैंने मिनिमम दो से तीन हरी मिर्च ले रखी थी। हरी मिर्च को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ इस तरीके से काट कर डाल देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट हरी मिर्च हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, इसलिए मैंने हरी मिर्च का उपयोग किया है। गाइस आप देख सकते हैं मैंने आधा नींबू ले लिया है, जिसका मैंने रस अलग कर लिया था, और मैं इसमें डाल देती हूँ। नींबू को डाल देने के बाद और हरी मिर्च, प्याज, टमाटर डाल देने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। और सबसे इसका मतलब मेन खासियत बताऊँ, इसे गैस पर पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मतलब बिना गैस पर चढ़ाइए ये चाट कंप्लीट हो जाती है ना, एकदम बिल्कुल आसान रेसिपी। तो आप अपने घर पे ट्राई कीजिए, और बच्चे लोगों को जिसे कुरकुरे पसंद है आप उन्हें भी खिलाइए, और जिसे नहीं पसंद है उन्हें एक बार टेस्ट करवा के देखिए। गाइस मिक्स करने के बाद मैं ऊपर से नमक डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस दो से तीन चुटकी के करीब नमक डालना है। आप अपने स्वाद के अनुसार से डाल सकते हैं, आपको जितना भी नमक डालना हो। कुरकुरे वैसे में नमकीन होती है ना, इसी वजह से मैंने दो चुटकी के सिर्फ दो चुटकी मैंने डाला है इसमें। नमक डाल देने के बाद आप इसमें डाल दिए चाट मसाला। चाट बना रही हो तो चाट मसाला तो कंपलसरी है ना, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने चाट मसाला मिनिमम, ज़्यादा नहीं, बस दो से तीन चुटकी के करीब, जितना मैंने नमक लिया है उतना ही मैंने चाट मसाला लिया है, उसे मैं इसमें डाल देती हूँ चाट मसालों को, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि कहीं खट्टापन या फिर कहीं ज़्यादा नमक ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। आप इस चीज़ का ध्यान रखें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। तो गाइस आप देख सकते हैं घी चाट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ चिली सॉस मिनिमम दो चम्मच के करीब, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं इसमें रेड सॉस डाल देती हूँ, रेड चिली सॉस, अगर आप डालना चाहो तो इसे डाल सकते हैं, यानी कि दोनों चिली सॉस अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, टमाटो केचप एंड चिली सॉस डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डालने से बहुत ज़्यादा ये जूसी लगती है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग इसका टेक्सचर हो जाता है। वैसे तो सबके घरों में पाया जाता है टमाटो सॉस और चीज़ सॉस, बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। दोनों सॉस डाल देने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा अमेजिंग आ चुका है ना गाइस। तो गाइस रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइस।
और अपने घर में एक बार ट्राई करें रेसिपी। अगर पसंद आती है तो कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बनी ना एकदम घर में बनी बनाई चाट कंप्लीट हो गई बिना गैस जलाए बिना कोई झंझट किए हुए। इतनी अमेजिंग सी चाट आपके सामने रेडी है, तो अपने घर पर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।